क्या ये संविधान इजाजत देता है कि आप जिस कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आए वहाँ किसी और को खड़ा कर दें अपने बदले काम करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है भाई सनी देओल नए हैं और वो फिल्म में काम करते हैं, और लेकिन सनी देओल जी ने इसी तरह का बयान करना ठीक नहीं है। मतलब हर एमपी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते कार्यकर्ता होते वो हर रोज वहाँ काम करते हैं। एमपी रोज वहाँ होता नहीं है, जब सेशन चलता है तब तो वो दिल्ली में रहता है, सम टाइम वो और भी कई उसके टूर होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ नहीं रहता है तब तो उनके कार्यकर्ता जो होते हैं या उनका जो ऑफिस होता है वो वहाँ काम करते रहता है। तो सनी देओल जी से एक मत से मैं सहमत हूँ कि भाई उनके कार्यकर्ता उनका जो काम है वो काम पूरा संभालेंगे, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ नहीं जाएगा ये बात ठीक नहीं है। मतलब अगर लोगों ने आपको चुनकर दे दिया है तो 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में आप 1-2 दिन वहाँ जाने की आवश्यकता है। हमेशा ही मैं नहीं जाऊँगा ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और वो अनय है, वो फिल्म में काम करने वाले एक्टर है, उनको ज़्यादा मालूम नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सनी देओल जी से मेरा निवेदन है कि कभी कभी आपने वहाँ जाना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं जाना ये अच्छी बात नहीं है। An MP, member of parliament, and that also Lok Sabha, is representing the people directly in the house. He is answerable to his people. And if he thinks that somebody else is more suited to understanding their grievances, then he might as well resign and ask him to contest.